क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी देखा है कि कई जगह भरे हम लोग का बकरी खा गया, छोकरी खा गया, मुर्गी खा गया। हेलो गाइस, जय हिंद। देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों ये झारखंड नहीं बंगाल का अद्भुत दृश्य है जो कि हो गया कैमरे में कैद। देख सकते हैं इस पेड़ के ऊपर जो है दोस्तों एक बहुत ही भयंकर और बड़े साइज का अजगर देख सकते हैं पेड़ में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए यहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है और देख सकते हैं। और इसी बीच हमारे भाई संदीप भाई इधर देखिए स्नैक रेस्क्यूअर है जो कि अभी ऊपर चढ़कर सांप को रेस्क्यू करने का काम करेंगे। और हम लोग दोस्तों सांप को रेस्क्यू करने के बाद जाकर जंगल में आजाद करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और पेज में नए हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से अभी सांप का हैंडल करने वाले हैं। जाइए संदीप भाई, आप नीचे रहिए। ठीक है, आप लोग गिरिएगा तो हम लोग कैच लेंगे। हाँ ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। संदीप भाई पीछे तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग रस्ती के और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हाँ हाँ ये रुमाल रखने से क्या ना? नहीं नहीं हाँ रुमाल तो रह जाएगा पॉकेट में। देख सकते हैं दोस्तों दूर दूर से जो है लोग इस पेड़ की तरफ देख रहे हैं और अजगर ठीक वहाँ पर बैठा हुआ है। अजगर बहुत ही ऊपर बैठा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ के अजगर को नीचे उतारने का। हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हमारे भाई संदीप पेड़ में चढ़ रहे हैं और आप लोग लगातार वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हो सके तो ये सांप के पास जाएंगे और सांप ऊपर से कूद जाए। आवाज नहीं कीजिए ना, हम लोग नीचे चलिए। पहले कूदने तो दीजिए, कूदेगा तो कहीं जाएगा नहीं। बहुत जगह है, बहुत जगह है। आप लोग नीचे से नजर रखिएगा, ठीक है? कूदेगा अगर सांप तो जाने में टाइम लगेगा और सांप कूदेगा ही। आप चले जाइए, सुनिए। हाँ आप जाइए उधर से, हम तब तक इधर से कैप्चर कर रहे हैं। तो गाइस सांप को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पे मौजूद हो गए हैं और देख सकते हैं। आप टोपी को पकड़िए, हम जा रहे हैं नीचे। हम जा रहे हैं नीचे। ठीक है मैं मुबारक। क्या नाम हुआ आपका? सुनील भाई। सुनील हाँ भाई। लाइव कहाँ घर हुआ? चेक पोस्ट। देख रहे साहस बाबा रे, कारवारी कुछ कटा क्या। तो देख सकते हैं हमारे भाई संदीप गए हैं रेस्क्यू करने के लिए, जो कि लगभग 25-30 फीट ऊपर नजर आ रहे हैं और बहुत ही रिस्क लेकर जो है दोस्तों इस तरह के सांपों को बचाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, पेज में नहीं तो पेज को फॉलो कर ले। अभी देखिएगा सावधानी पूर्वक दोस्तों, सांप को भी बचाना है और अपने जान को भी बचाना है। गाइस देख सकते हैं सांप इसी के साथ पेड़ के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही तेजी से अभी सांप ने एक बार हमला किया। चलिए ले आइए, वेरी गुड। दोस्तों वहाँ कुछ लोग भी नीचे मौजूद हैं ताकि सांप अगर ऊपर से छलांग लगा दे तो वो लोग नजर रख पाए। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है, हमला करते हुए पाइथन का अद्भुत दृश्य। हाँ बन रहे हैं और इसी के साथ भाई हमारे रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिएगा काट लेगा बहुत जोर से।
संदीप भाई रिस्क नहीं लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 150 दांत का निशान आ जाए हाथ में। हाँ नीचे मत गिराइए, उसको चोट लग जाएगा। चोट लग जाएगा उसको। आप मत जाइए। पिए हुए है क्या? नीचे आ जाइए आप उसको देखे। हाँ वेरी गुड, आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, आप नीचे आ जाइए। देख सकते हैं दोस्तों अभी भी लगभग लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सांप का उतरने का इंतजार कर रहे हैं जो कि इस पेड़ में चढ़ा हुआ है और ये 25 फीट ऊंचाई पे देख सकते हैं। आए क्या संदीप भाई? हम आ जाए ऊपर, आ जाए। देख सकते दोस्तों वहाँ पे वो शख्स देख रहे हैं ड्रिंक के हुए हैं, हालांकि उनको उतर जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग का फोकस सांप में है, अभी उनको समझाने जाएंगे तब तक मैं सांप काट लेगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए डन, देखिएगा और खींचेगा तो आप अपना बैलेंस बना के और आप नीचे आइए। हेलो नहीं नहीं लीजिए, हेलो सागर गिर मत जाइएगा। दोस्तों देख सकते हैं लाइव अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्क भरा काम है, ऐसे कारनामे करना हर इंसान के बस की बात नहीं, इसलिए आप लोग जो है सपोर्ट करें ताकि ऐसे लोग आगे बढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा जीवों की रक्षा कर पाए। मैं भी ऊपर जा रहा हूँ तो देखिए एक इंसान से नहीं हो पा रहा है, अकेला इंसान का बस का बात नहीं है जो एक भारी भर का मजदूर को पकड़ ले, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ ऊपर। सुबह के लिए तो वह हम लोग भी है, थोड़ा सा दिखाओ, हम लोग भी देखने आए हैं कैसे आ जाकर साफ नीचे भाई। कैमरा दाखिल है, हाँ ठीक है भाई उठो। हाँ हाँ ले ले, झोला लीजिए भाई। আলো চলে গেল, হিন্দি বল, বাংলা চলবে, বাংলা চলবে না, হিন্দি জানিস তো বল। भाई देखिए कितना मोटा औसत है, झोला झोला में ट्रैक्टर है। गाइस देख सकते हैं अभी हमने अजगर को पकड़ लिया है और अभी डालेंगे इसे जंगल में जाकर आजाद किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग जाकर दूसरे जगह इसे आजाद करेंगे। अच्छा मेरे तरफ थोड़ा बुरा ही है, देख हमने माल है पकड़ नहीं आता हमको, मोसारे पकड़ लिए हैं। लीजिए भैया कर दीजिए थोड़ा, भी हो रहा है कर दीजिए
अभी लोग का है कैमरा का। हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रकाश जी, संदीप जी दोनों ऊपर में हमें चढ़े हुए हैं। आप बैग को फेंकिए इधर। क्या कहे आप फेंकिए, कैमरा करिए। जोर कैमरा को फेंकिए, प्रकाश जी ने तो कैमरा को भाई देखिए कितना मोटा हो जाएगा रे। दो जन मिलकर पकड़ रहा है भाई। पॉइंटी भी है आपका, आपका टाइम आ गया। 70 किलो होगा भाई। आप पकड़े पकड़े कुछ पकड़ लिया देख, गला में दे। नहीं नहीं अभी छोड़ा नहीं, रुके। मोबाइल वाला रखिए ना, मर्द काटेगा बस। देखिए इधर मोबाइल पकड़ा दूसरा को, मोबाइल रखिए छोड़े भाई। देखो भाई कुछ उनको दे दिया, झोला में झोला में कुछ पकड़ के अपने खींच लिया। चलिए बाहर में निकलना। हां बस छोड़े, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। चलिए बस भाई देखिए कितना मोरा जगह है। अभी सांप को काफी लगभग पकड़ चुका है भाई। भाई ऊपर भाई देखो भाई कितना आदमी है। अभी एक इस गाछ पेड़ में है। सागर 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 जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सागर जी भी हम लोगों के साथ बहुत मदद किया है भाई। अभी उतार उसको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अभी इस आईफोन में हम पकड़े हुए हैं भाई। इतना सारा आदमी है भाई, देखो भाई इतना सारा आदमी। अभी इस मोबाइल में अभी लगभग 13 हो चुका है भाई, देखो। हाँ मुर्गी को खा दिया था भैया। देखिए गांव वासी का मानना है एक बड़ा मुर्गी को भी निकल गया। तो गाइस देख सकते हैं अभी सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पहल है जो इस सांप को बचाने में लोगों ने अपना योगदान दिया है। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी देखा है कि कई बार ऐसे सांप इंसानों के गले को लपेट कर मार देता है। दोस्तों ये हम इंसानों जैसा सोचने समझने के कार्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे जंगली जानवरों से जंगली जीवों से आप जितना दूरी बनाए रखें उतना आपके लिए सही होगा। कभी भी इसे गले में लेने की कोशिश ना करें। और चलिए बहुत भारी है, ज्यादा बोल पाना बहुत मुश्किल है। भारी ये हम लोग का बकरी खा गया, छोकरी खा गया, मुर्गी खा गया हो गया हम लोग। और दोस्तों बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे गांव में लोग जो है शराब पीकर इस तरह के सांपों को छूते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये तो बिना विषैला है, ये काटेगा सिर्फ और सिर्फ जख्म देगा, लेकिन अगर कोई विषैला सांप काट लेगा तो सीधा सीधा शमशान देगा। इसलिए इस तरह के सांपों से आप लोग जितना हो सके दूरी बनाए रखें। चलिए।